ये लो बाबा जी आपकी चाय। टेबल पे रख दो। बाजी चाय ला दूं आपको? मेरी आदतें अगर इतनी खटक रही है ना, तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर जाओ। बाजी चाय ला दूं आपको? नहीं नहीं चाहिए, चाय चाहिए। लाइबा ठीक से बैठो, जहाँ बैठती हो कुछ ना कुछ करती रहती हो, सीधी हो जाओ। मम्मा बताए ना पापा कहाँ है, बताए ना। वापस करो लाइबा, मैंने कहा ना वापस करो। अरे अरे बाजी ले लेना, खुश हो जाएगी बच्ची। नहीं लेने हैं भाई, जबरदस्ती बेच रहे हो क्या? मियां का नाम जी? मैंने कहा आपके शौहर का नाम क्या है? जी अमीन, अमीन है नाम। बाजी पैसे तो देने को बार हो के। बस एक ही काफी है जी, ये तो कम है, एक 10 रुपए तो और दे दें कम से कम। मैंने कहा था बच्ची के हाथ में गुब्बारे पकड़ाओ, थमा दिए बच्ची के हाथ में गुब्बारे। रबड़ के गुब्बारे हैं, कुछ सोने के नहीं है, इतने काफी है पैसे। अब जाओ यहाँ से। तो होती है वजह क्या लिखूं? जी आपने कुछ कहा? और इस फॉर्म में वजह क्या लिखूं? वो वजह क्या हुआ? आंखें क्यों दिखा रही हो? क्या खा जाओगी मुझे? सुबह के 5 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में अजानें शुरू हो जाएंगी। खुद तो पीकर भटकते रहते हो, हमारी भी नींदें खराब कर देते हो। तो मैंने कब तुम लोगों को सोने से मना किया जो तुम मुझ पर एहसान जता रही हो? एहसान नहीं जता रही, बता रही हूँ कि खाली पेट नींद नहीं आती। बड़ी मुश्किल से बच्ची को सुलाया है, मेरा नहीं तो कम से कम इस मासूम का ही ख्याल कर लो। अरे ये बोलो ना कि राशन खत्म हो गया है, पहले बता देती मैं ला देता राशन। यार दिन में 2-3 बार बता चुकी हूँ, कोई घर की फिक्र हो ना तो बात याद रहे। चलो अगर अगर भूल जाता हूँ मैं तो पड़ोस से मांग कर खुद खा सकती थी, बच्ची को भी खिला सकती थी। अब इतनी रात को मातम कर रही हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अमीन पड़ोसियों से 1 या 2 बार मांगा जाता है, बार बार मांगने से भिखारी कहलाता है बंदा। अच्छा बस बस अजमत खाओ मेरा, नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। कल ला के भर दूंगा तुम लोगों के पेट का दोजख। वैसे भी एक रात भूखे रहने से कोई मर नहीं जाता। एक रात की भूख? हर रोज यही होता है, तो नशा करके आके सो जाते हो। भूख मेरी बेटी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो लिखवा के लाती ना, एक आध दुकान एक आध फ्लैट अपने माँ बाप से। सारी जिंदगी तुम भी ऐश करती मैं भी ऐश करता, फर्क तो ऐसे रही हो जैसे कानून का खजाना साथ लेकर आई हो। मैं मेरी तनख्वाह तो बस इतनी ही है बस। आपकी तनख्वाह काफी है हमारे लिए, अगर आप अपने दोस्तों पर खर्च ना करें तो।
ले लीजिए बीबी जी आपका तलाकनामा। चलो लाइव छोड़ो इसे। हम सब ने मना भी किया था आपको इस रिश्ते से। उस वक्त अगर आपने हमारी बात मानी होती तो नौबत आज यहां तक नहीं पहुंचती, पर आपने तो सिर्फ अपने दिल की मानी। छोड़ भी दो इसे, क्या मुसीबत है, तोड़ के निकालोगी क्या? बैठ जाओ आराम से। इसने दिमाग खराब करके रखा। खेलने देना बच्ची को बुढ़िया से, अगर खराब भी हो गई तो मैं दूसरी लाके लगा दूंगा। गुड़िया मेरी बोली भाली नीली नीली आंखों वाली, गोद में लो तो आंखें खोली मीठी मीठी बोले बोले, गोद से उतरे चुप हो जाए आंखें मूंदे और सो जाए। चुप नहीं करा सकती है साफ़त को, बस करो चुप करो बंद करो। चुप नहीं करा सकती है साफ़त को, बड़ी मुश्किल से आंख लगी है मेरी, सोने नहीं दे रही है ये, हर बात समझाना पड़ती है तुम्हें। देखे ना अब्बू बहुत अच्छी अम्मी ने गुड़िया दिलाई है। इतनी महंगी गुड़िया, इतने पैसे कहां से आया तुम्हारे पास? कहीं मुझे नशे में देख के मेरे बटवे पर तो हाथ साफ नहीं करने लगी हो आजकल? इतना हक दिया है तुमने मुझे कि मेरा हाथ आपके बटवे तक पहुंचे? दाल चीनी के लिए तो दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवा कर एक एक रुपया जोड़ती हूँ, उसी से बच्ची को गुड़िया लेकर दी है। कब से गुड़िया गुड़िया कर रही थी, आपने तो लेकर देनी नहीं थी। तो घर के पैसे तुम ये इस तरह फजूल उड़ाती फिरोगी? अच्छा, और आपकी तनख्वाह जो आप अपने दोस्तों पर खर्च करते हैं वो फजूल नहीं है? बच्ची को गुड़िया लेकर दे दी वो फजूल हो गया। बात करो नहीं तो कैसे करूंगा। दे दो साहब। माफ करो भाई। 10 रुपए दे दो साहब, रोटी खा लूंगा साहब। अरे कहा ना माफ करो यार, जाओ काम करो कहीं। साहब आपको क्या लगता है आपा, ये कोई जरूरतमंद है जिसको खराब मांगने का हक है? नशा टूटता है तो हाथ फैलाने निकल पड़ते हैं ये लोग। खाना नहीं खाना ऐसे, बल्कि अपने नशे की लत पूरी करने के लिए पैसे चाहिए। गौर से देखा था आपने इसको, नशे में धुत लड़खड़ा रहा था, अपनी रगों में तो नशे का जहर उतार ही चुका है, साथ साथ खानदान का भी खून निचोड़ रहा होगा इसी नशे की खातिर। पता नहीं ऐसे लोगों के बीवी बच्चों का क्या बनेगा, मुझे तो उन पर तरस आता है। सिगरेट है और क्या? भरी हुई सिगरेट क्यों नहीं बोलते? अब पता चला तुम्हारी तनख्वाह कहाँ जाती है।
ये जो है ये मेरी नहीं है, ये जहाँ से तुमने उठाया है वहीं वापस रख दो। अमीन, मैं तुम्हें तो नशा नहीं करने दूंगी, अभी जाके इसे जाया कर दूंगी। पागल हो गई हो तुम, इधर लो मुझे। नहीं अमीन, मैं आपको आपकी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। पागल हो गई हो तुम, मेरी आदतें अगर इतनी खटक रही है ना तो तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर जाओ। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीवी जो उल्टा मुझ पर हुकुम चलाए। मेरी जैसी आदतें हैं ना वैसी ही रहेंगी, कोई जरूरत नहीं उन्हें बदलने की। और मैं जब तुम दोनों का पेट भरता हूं तो मेरे मामलात में दखल क्यों देती हो? पापा अभी भी कहता हूँ ये तलाकनामा मुझे दे दें, मैं संतरी के जरिए साइन करके मंगवा लेता हूँ। नहीं नोमा, मुझे खुद साइन करवाना है। ठीक है, अगर आपकी इतनी जिद है उससे मिलने की तो फिर आप जाके करवा लें साइन। मैंने जेलर साहब के रूम में मुलाकात का बंदोबस्त करवाया है, सिफारिश लगवाई है, फ़ोन करवाया, तब कहीं जाके 15-20 मिनट मुलाकात की इजाज़त मिली है सिर्फ। वो खुद बाहर गए मैं, अगले आधे एक घंटे में वो आ जाएंगे, तो आप उससे पहले साइन करवा के आ जाना। इधर ही खड़ा हूँ, मिल लो, ज्यादा देर नहीं लगाना। मुझे बचा लो, मुझे छुपा लो कहीं। फरकंदा, अमीन क्या हुआ है? खैरियत तो है? कत्ल हो गया उसे, कत्ल हो गया उसे। कैसे? अबे जा, बड़े देखे तेरे जैसे, एक तो हारते हो, बीमारी भी करते हो, ऊपर से गालियां भी बकरा। बीमारी तुमने की, इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। और देखो ये रखते हो पैसे, वरना मेरे हाथ से जाया हो जाओगे तुम। जाने दो ना भाई, दोबारा खेले। क्यों दोबारा खेले? क्यों दोबारा खेले? एक रुपया भी नहीं दूंगा मैं ऐसे, और इसके साथ दोबारा खेलूंगा भी नहीं। इस घटिया इंसान को आज नहीं छोड़ूंगा मैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अख्तर भाई, तेरी ये जुर्रत तुम मुझ पे पिस्टल ताने का? अख्तर भाई,
अख्तर भाई, अख्तर भाई, अरे पकड़ो उसे। मैंने नहीं मारा, कसम से मैंने नहीं मारा। पता नहीं मुझसे ये कैसे गोली चल गई। खुदा के लिए मुझे बचा लो, मुझे छुपा लो, फरकत नहीं तो पुलिस आकर मुझे ले जाएगी। पुलिस आ गई, ये फरकत मुझे छुपा लो कर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे सही कहती थी फरखंदा, गलत माहौल और गलत लोगों में बैठने से इंसान भटक जाता है। सब कुछ खो देता है। मैंने भी सब खो दिया। अपनी जिंदगी, अपना घर, अपनी बच्ची और अपनी बीवी। अब 15 साल की सजा हो गई है मुझे। काश मुझे जिंदगी एक बार, सिर्फ एक बार मोहलत देती तो मैं अपने आप को सुधार भी देता। तुमसे की गई ज्यादतियों का सारा भी कर लेता। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। कसूर तुम्हारा भी नहीं है। मैंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है तो भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा। अगर आपको इस बात का पछतावा हो ही गया है तो मेरे लिए यही काफी है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि आप जेल चले जाएं और मैं यहां खुद को आपसे अलग कर लूं। ठीक है, कानून मुझे इस चीज की इजाजत देता है लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगी।
पापा इस पे तो साइन ही नहीं है। चलो लाइबा, चलो उठो। लेकिन आपा, आपा बात तो सुने। आपा, ये क्या कर दिया तुमने? कितनी मुश्किलों से वो नुक्ता हमने ढूंढा था कि अगर मर्द को लंबी सजा हो जाए तो औरत को कानूनी इख्तियार है कि उसे तलाक ले ले, और तुम तलाक नामे में दस्तखत कराए बगैर वापस लौट आई हो। यही बात मैं सारे रास्ते समझाता आया उनको बजान, पर ये हैं ना किसी बात का जवाब दे रही हैं, ना ही कुछ कह रही हैं। तुम कुछ बोलोगी नहीं हैं? क्या जादू कर दिया उसने तुम पर? रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं जुड़े जाते अम्मी जान। मगर रिश्ते उनसे निभाए जाते हैं जिनको रिश्तों की कोई कदर हो। उसने जिंदगी भर तुम्हें क्या सुख दिया है जो तुम अब भी उसे रिश्ता जोड़ने में तुली हुई हो? कोई एक ऐसा दिन बताओ जब उसने तुम्हें खून के आंसू में रुलाया हो। वो उनका जर्फ था अम्मी जान। अगर वो पशेमान है तो मैं खुद गर्ज बनकर उनका साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा क्यों फरिश्ता बनने की कोशिश कर रही है और किस बेरहम के लिए। बेटा, उससे तो अपने किए की सजा मिल चुकी है, तुम किस जुर्म की सजा काटोगी जिंदगी भर उसके नाम पर बैठकर? ये पागल हो चुकी है जो खुद को दांव पे लगा रही है, मगर हम अभी तक होश में हैं। नुमान, तुम जाओ उस तलाकनामे पे उससे दस्तखत करवा के लाओ। कोई नहीं जाएगा उनके पास। जब मैं तय कर चुकी हूँ कि मैं तलाक नहीं लूंगी तो बस नहीं लूंगी। क्या तय कर चुकी हो? क्या तय कर चुकी हो? 15 सालों का मामला है, दिन और महीनों की बात नहीं है जो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। क्या तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है जो उस मतलबी के लिए अपनी जिंदगी गंवा रही हो? इस बच्ची का सोचा तुमने? इसे कौन पालेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन खर्चा उठाएगा इसका, सोचा तुमने बेटा? अच्छा, आपको मेरी और अमीन की तलाक की फिक्र नहीं पड़ी बल्कि हम दोनों का बोझ उठाने की फिक्र पड़ गई है। तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अपना और अपनी बेटी का बोझ उठा सकती हूं। क्या तुम गलत समझ रही हो, हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। सब जान चुकी हूं किसका क्या मतलब है, सब समझती हूं मैं। कहां जा रही हो, कहां जा रही हो बेटा? रोके ना इसे। दोनों खामोश खड़े, समझाए ना इसे, इस बेअकल को। अकेली औरत का समाज में जीना कितना मुश्किल होता है। बस करते, कोई जरूरत नहीं हमदर्दी जताने की। मैं अगर भूख से मर भी गई ना तो इस घर में हाथ फैलाने नहीं आऊंगी। फरखंदा, चलो लाइबा, रोको ना। मुश्किल से पानी भरकर लाती हूँ, बाल्टी बाल्टी करके लेकर आती हूँ, और तुम अपने खेल कूद में सारा पानी जाया करती हो।
पता नहीं कब बाहर आएगी ये लड़की। आप मुझे घर में बंद करके जाती है, कोई भी नहीं मुझसे खेलता। मैं डर जाती हूँ इसलिए मैं खेल लेती हूँ। शौक से नहीं बंद करके जाती, मजबूरी है मेरी। और ये डर वर अपने अंदर से निकालो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। अब ये नहीं चलेगा, तुम्हें अपने आप को आदत डालनी पड़ेगी। भूख लगी है। हाँ, मेरी गुड़िया को भूख लगी। अपनी अम्मी को माफ कर दो, काम की वजह से देर हो जाती है। पता है, मैंने अपनी लाइबा के लिए स्कूल का बंदोबस्त भी कर लिया है। कल जाके किताबें लेकर आएंगे, फिर मेरी बच्ची स्कूल जाएगी, है ना? चलो जाओ, सारे कपड़े गीले करती अपने। चलो अंदर चलते हैं। आपसे एक गुजारिश करनी थी सुपरवाइजर साहब। जी बोले। वो सुबह मुझे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ना होता है, तो उसकी वजह से मैं फैक्ट्री आने में लेट हो जाती हूँ, और बाद में उसे स्कूल से घर छोड़ते हुए बहुत टाइम हो जाता है, तो मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाती। अगर आप मुझे मेरे हिस्से का काम घर ले जाने दें, तो इस तरह मैं रात को भी कुछ काम कर सकती हूँ, और दिन में भी जो वक्त मेरे पास होगा वो मैं फैक्ट्री में आकर भी काम मुकम्मल कर लूँगी। बस यही गुजारिश करनी थी आपसे। घर में सिलाई मशीन है आपके? जी, लेकिन मैं बंदोबस्त कर लूँगी उसका। ठीक है, मैं आप पर इतबार करके आपको काम घर पर ले जाने की इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप काम बहुत सफाई से करके लाया करेंगी। जी जी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कितना काम करेंगी, बस भी कर दें। अरे बेटा, रजिया का जोड़ा सीना था, अर्जेंट था, बस वही सी रही हूँ। अमीन मोहल्ले वालों के सारे जोड़े अर्जेंट ही होते हैं, इनको एहसास थोड़ी है कि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। ऐसे नहीं कहते बेटा, जब से मोहल्ले वालों का काम मिलने लगा है फैक्ट्री से जान छूट गई है,
तैयार काम घर पे मिलता है, और क्या चाहिए मुझे। अच्छा तुम अंदर जाओ, खाना गर्म करो, फिर मिलके खाती है। लेकिन आपकी उम्र नहीं है ये इतना काम करने की। ए बेटा, उम्र का क्या है, हाथ पैर सलामत है मेरे, निकाह भी ठीक है, जब तक सुई में धागा डाल सकती हूँ काम करती रहूंगी। अगर आप सारी जिंदगी काम ही करती रहेंगी तो फिर आराम कब करेंगी। जब तेरे बाबा जेल से रिहा होकर आएंगे ना, तो फिर मैं खूब आराम करूंगी। मेरी प्यारी अम्मी। चल जा, जाके अंदर जाके खाना करूंगा। ठीक है। रिहाई मुबारक हो अब्बू, रिहाई मुबारक हो अम्मी, रिहाई मुबारक हो अम्मी। खैर मुबारक, तुम दोनों को भी बहुत मुबारक हो, जीती रहो। अंदर आइए ना अम्मी, आइए। पंद्रह साल जेल का बासी खाना खाने के बाद आज पहली बार घर का खाना नसीब हुआ है। बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूं, लेकिन फरखंदा एक बोझ है मेरे दिल पर। कैसा बोझ? 15 सालों की मेहनत मशक्कत ने तुमसे तुम्हारी उम्र छीन ली। मुझे अंदाजा नहीं था, आज मैंने तुम्हें बहुत गौर से देखा तो बहुत हैरत हुई मुझे कि कैद मैंने काटी है पर उम्र तुम्हारी ढल गई है। शायद जेल में खाने पीने सोने के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ना घर चलाने की फिक्र, ना कोई काम करने का गम, ना किसी जिम्मेदारी की परवाह, इसीलिए आदमी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अमीन, जो भी दिन गुजर गए हैं ना, बस गुजर गए। अब जो कुछ हमारे पास है हमारे लिए वही काफी है। और पता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि आप जो घर पर मेरे साथ हैं। अमीन, hmm.
इसकी क्या जरूरत थी? है जरूरत फरखंदा, बालों में चांदी जो है वो बुढ़ापे को जाहिर करती है और मर्द को इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। और ये अपनी लाइबा, इसको इतनी बड़ी होते देख के बड़ी खुशी महसूस होती है फरखंदा। अब ये 15 साल पुरानी वो लाइबा नहीं है जो आपकी नींदें हराम करती थी। अब तो बड़ी समझदार हो गई है। इसके लिए जल्दी ही कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करके इसके हाथ पीले कर देंगे, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। का पता चला? नहीं अम्मी, आस पड़ोस से भी पूछ कर आ रही हूँ, किसी ने भी कहीं नहीं देखा अब्बू को। खुदा खैर करे, क्या हो सकता है, आधी रात हो गई अभी तक आए नहीं। अम्मी आप परेशान मत हो, किसी दोस्त के पास रुक गए होंगे खाने पे, आते ही होंगे। तुम अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाया करो, आधे घंटे का कहकर गए थे, पूरा दिन गुजर गया और अब आधी रात हो गई है। खुदा ना खासा किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। परेशान मत हो अम्मी, आप आ जाएंगे। अम्मी रात अब्बू नहीं आए क्या? नहीं आए। मतलब आप पूरी रात नहीं सोई? कैसे सो सकती थी मैं? अम्मी आप भी ना कितनी कमजोर हो गई हैं, ऐसी रात तो बहुत तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आए मेरे साथ बैठे इधर आके। कल रात से एक मिनट, आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। तुम कहती थी ना कि मैं यार दोस्तों की सोबत में सब गवाता हूं, लेकिन इस बार मैंने एक बहुत बड़ा तोहफा पाया है। तोहफा? आप दोस्तों से मिलने गए थे? इतने सालों बाद बहुत लुत्फ आया। वो कहते हैं ना कि यार सलामत तो सोहबत बाकी। एक मिनट, वो तोहफा मैंने तुम लोगों को दिखाया ही नहीं है, एक मिनट दिखाता हूं। सना अंदर आ जाओ भाई, आओ अंदर आओ। ये कौन है? यही तो है वो मेरा तोहफा, मेरे पक्के दोस्त आदिल की बेटी। कल रात आदिल ने हम दोनों का निकाह पढ़वाया है, अब ये मेरी बीवी है। बीवी? अभी ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई, आदिल और मैं पक्के दोस्त थे, यार थे, अब हम रिश्तेदार बन गए हैं। क्यों किया अमीन आपने ऐसे? मेरे 15 साल इंतजार का ये तोहफा दिया तुमने। तो
क्यों किया अमीन तुमने ऐसा? क्यों? मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया है? मर्द को हक है दूसरी शादी करने का। और देखो फरखंदा, मर्द की कुछ अपनी जरूरतें भी होती हैं। तुम बूढ़ी हो चुकी हो, ना तुमसे काम काज हो पाएगा और ना ही मेरी खिदमत। अब ये सारे काम काज ये कर लिया करेगी, तुम सिर्फ आराम करना। तुम्हें अब आराम की जरूरत है। और हाँ, तुम्हें फिक्र थी ना लाइबा के हाथ पीले करने की, तब उसकी भी फिक्र मत करो। मैंने लाइबा का रिश्ता अपने दोस्त आदिल से ही तय कर दिया, जबान दे आया हूं उसे। चलो सर अंदर।